इस वीडियो में वो सीक्रेट बताने वाले हैं जो पूरा यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने गूगल पर एक्शन लिया था क्योंकि गूगल अपने एप्लीकेशन को मोबाइल में डिलीट करने का ऑप्शन नहीं देता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति डिलीट करना भी चाहता है तो वह डिलीट नहीं होता है। इस पर गूगल सुप्रीम कोर्ट गया था, वहां भी गूगल को राहत नहीं मिला और गूगल पर फाइन लगाया गया। गूगल एक अमेरिकन कंपनी है, कहीं ना कहीं तो इसका असर अमेरिका पर कुछ न कुछ जरूर होगा। हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी कंपनी पर रिसर्च किया कि अडानी अपने शेयर में धोखाधड़ी कर अपने शेयर का मूल्य बढ़ाया है। अब देखिए अमेरिका ने कैसे बाजी पलटा। हिंडनबर्ग जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसने अडानी पर रिसर्च किया कि अडानी अपने शेयर में धोखाधड़ी कर अपने शेयर का मूल्य बढ़ाया है। साथ ही वह अपने इतना रुपया धोखाधड़ी कर जमा किया है, दुनिया को दिखाया कि मेरा शेयर बहुत अधिक है। यह रिपोर्ट जैसे आया अडानी का शेयर 40 से 50% घट गया, जिससे अडानी कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा। अडानी कंपनी के शेयर घटने से भारत पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि भारत के जीडीपी में बिजनेसमैन का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। उदाहरण के तौर पर अडानी के पास जितने भी रुपया था, वह अपना रुपया तो जेब में लेके नहीं घूम रहा था, वह रुपया अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा था, जैसे पोर्ट बनाने में, रोड नेटवर्क बिछाने में, जहाज बनाने में। जैसे भारत में फैक्ट्री में माल बनता है तो विदेश भेजने के लिए पोर्ट और जहाज की जरूरत पड़ता है, इसी पर अडानी काम कर रहा था। और भी जैसे ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया था। यह एक तरह से भारत का विकास हो रहा था। जिस तरह गूगल पर एक्शन लेने से कहीं ना कहीं अमेरिका पर गया, उसी तरह अमेरिकी रिसर्च टीम ने भारत के अडानी पर हमला करके भारत पर हमला किया है। साथ ही दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, वो अमेरिका ने ही करवाया है क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका ने ही उकसाया था। साथ ही चीन और ताइवान में जो टेंशन उत्पन्न हुआ था, ताइवान को अमेरिका ने ही उकसा रहा था। कहीं ना कहीं तो विश्व में जितने युद्ध होता है उसमें अमेरिका का ही योगदान रहता है।